साल के बाद इनको सत्ता के ठेकेदारों ने बुला लिया, इनका मोल लगा लिया और ये बिके हुए माल की तरह जो बाजार में बिकते हैं, एक विधायक नहीं एक बिके हुए माल की तरह बिकते हुए हमारे आपके तवक्कुआत को ठुकरा दिया, आपकी और हमारी मेहनत को ठुकरा दिया, नौजवानों के आंखों में आंसू ला दिए। तहमीद यहाँ पे है, उन्होंने कभी ऐवान पार्लियामेंट में आपकी बात की क्या, आपके मसाइल पे बात की? आज हम सदर मजलिस के साथ यहाँ रहमत पाड़ा में आए हैं, यहाँ पे हमेशा चाहे वो पिछला विधानसभा का चुनाव हो या उससे पहले का विधानसभा का चुनाव हो, जब भी यहाँ पर सदर मजलिस आए रहमत पाड़ा की आवाम ने गैर मामूली मोहब्बत से और हमें इज्जत से नवाजा। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में खास तौर से कोचा दावन के नौजवानों ने बुजुर्गों ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को अपनी ताकत से अपनी मेहनत से अपनी अपने दुआओं से नवाजते हुए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को यहाँ से मजबूत किया। मजबूत करने की वजह ये थी कि यहाँ के बुजुर्गों को एक ये उम्मीद थी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का विधायक जब जीतेगा तो हमारे लिए लड़ेगा, हमारी बात करेगा। यहाँ पे मजलिस को जिताने की वजह ये थी कि यहाँ के नौजवानों को ये उम्मीद थी कि यहाँ पे जो हमारा नव विधायक मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का जीतेगा, यहाँ पर उठकर हमारे रोजगार की बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए अच्छी नुमाइंदगी करेगा और बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब के तवक्कुआत पे ठहरेगा। बस हमने तो ये सोच कर यहाँ पे आपके मुकाम से चुनकर इनको ये इसलिए बनाया था कि ये लोग हमारे सामने आकर ऐसा दावा करते थे कि ये बुजुर्गों की बेपनाह इज्जत करते हैं, नौजवानों के लिए बेपनाह फिक्रमंद है। हमें क्या पता था इनके दिल में क्या खोट है। हमने तो ये इनका सूरत देखकर, सर पे टोपी देखकर, आज चेहरे पर नूर देखकर हमने ये सोच लिया कि ये हमारे साथ जज्बे से आगे बढ़ेगा, असदुद्दीन अवैसी साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल में जो सीमांचल के लिए मोहब्बत है और उनके लिए जो करने का जज्बा है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बस जैसा ही इंतखाबात खत्म हुआ, दो साल के बाद इनको सत्ता के ठेकेदारों ने बुला लिया, इनका मोल लगा लिया और ये बिके हुए माल की तरह जो बाजार में बिकते हैं, एक विधायक नहीं एक बिके हुए माल की तरह बिकते हुए हमारे आपके तवक्कुआत को ठुकरा दिया, आपकी और हमारी मेहनत को ठुकरा दिया, नौजवानों के आंखों में आंसू ला दिए, बुजुर्गों को फिर मायूसी में ला दिया, जो खवातीन इज्जतदार माँ और बहनों ने ये उम्मीद से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को ताकत दी थी कि मेरे बड़ों को देखा था यहां से दूसरी जगह जाकर काम करते हुए, मैंने जो मेरे शोहर को देखा था दूसरी जगह काम करते हुए अपने घर को छोड़कर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जब मजबूत होगी मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, उसका रोजगार यहाँ पे आएगा। मगर ये नादानों को हमारे बच्चों के रोजगार की पड़ी नहीं थी, इनको तो अपने आप को बेचना था, बिके और चले गए। मगर हमने हमारे हौसलों को नहीं खोया, हम हमें वही जस्तजू से वही जुनून से वही जज्बे से आपके दरमियान में है। अभी भी जब भी हम मुकाबला करते थे, आज भी हम मुकाबला कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी सीमांचल के वास्ते लड़ते रहेंगे, यहाँ के नौजवानों को हौसला देते रहेंगे, यहाँ के बुजुर्गों को ताकत देते रहेंगे, यहाँ की सरदार माँ और बहनों को यह बताएंगे कि हम भी आपके बेटे हैं और आपके लिए हम फिक्रमंद है। आने वाला इंतखाबात लोकसभा का है, आने वाले इंतखाबात में आपको उसको चुनना है जो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ उस ऐवान पार्लियामेंट में जाएगा, आपको उनको चुनना है जो असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत बनेंगे। तो आपके सामने दो लोग हैं, आपके सामने एक जगह मर्द मुजाहिद अख्तर अल ईमान होगा और एक तरफ वो कमजोर जालिम होगा, तो चुनना किसको है, ताकतवर को और ताकत देना है या कमजोर को और ताकत देना है, ये फैसला आपको करना है। मैं जब यहाँ ठहर कर मैं अख्तर अल ईमान साहब का काम अमूर में देख रहा हूँ और जिस किस्म से वो सदर मजलिस से हर एक पॉलिसी पे बात करते हुए यहाँ के वो लोगों की गौर फिक्र के लिए आपकी आवाज बन रहे हैं, मुझे ये यकीन है जब ये ऐवान पार्लियामेंट में जाएंगे सदर मजलिस के बाजू बैठेंगे तो सबसे पहली आवाज उस ऐवान पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी अमित शाह और उन कांग्रेस के गर्देश गुलाम जो हमेशा हमको इस्तेमाल करें उनके कानों में एक ही आवाज पड़ेगी, सीमांचल सीमांचल किशनगंज और किशनगंज। ये आवाज आपको और हमको वहां पे उस ऐवान पार्लियामेंट में पूछते हुए दिखाना है।
अस्तरुल ईमान की खिदमत आपके सामने है। अस्तरुल ईमान साहब, कब से आपकी आवाज बने हुए ये आपके सामने है। जब भी अल्लाह सुभान व तआला ने उनको मौका दिया, ताकत दी, ऐवान ऐवान के उस दीवारे गवाह है कि उन्होंने आपकी बात की। सुभान व तआला ने उनको ताकत दी, मौका दिया, आप गवाह है, उन्होंने आपकी आवाज उठाई। जब भी अल्लाह सुभान व तआला ने उनको ताकत दी, मौका दिया, आप गवाह है कि उन्होंने आपके मसाइल पर लड़ाई की। क्या आपकी गवाही दे सकते हैं कि जो जावेद यहाँ पे है उन्होंने कभी ऐवान पार्लियामेंट में आपकी बात की? क्या आपके मसाइल पे बात की? क्या नौजवानों के लिए अच्छे अस्पताल की नुमाइंदगी की? क्या मेरी सरदार पटानशी माँ और बहनों के अच्छी अच्छे अस्पतालों के लिए नुमाइंदगी की? क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए या हमारे नौजवानों के लिए रोजगार की बात की? ये कभी नहीं करते। ये जरखेज गुलाम है जो चुप बैठना जानते हैं अपने मालिकों के सामने। आपके सामने शेर है जो सदर मजलिस ने आपके सामने रखे हैं, जो अख्तरुल ईमान है। इनको मजबूत करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। नौजवानों, आपके और हम के ऊपर एक जिम्मेदारी है मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मजबूत करने की। आपके और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है इस हरे परचम को बुलंद करने की। आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है सदर मजलिस की बात हर एक घर तक पहुंचाने की। और यह जिम्मेदारी कोई कमजोर कांधे नहीं उठा सकते हैं, वही उठा सकते हैं जो अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपने इलाके से मोहब्बत करते हैं और हरे परचम से मोहब्बत करते हैं। और मुझे यकीन है, मैं 10 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, जो मोहब्बत हरे परचम से यहाँ के नौजवानों के दिल में वो कहीं और हमें नहीं देगी। जो बुजुर्गों ने यहाँ पर उठकर सदर मजलिस को दुआ दी है और जो आंखों से भरे आंसू मैंने देखे सदर मजलिस को दुआ देते हुए, वो मोहब्बत मैंने कहीं और नहीं देखी। इसको और मजबूत करना है और ताकतवर करना है। अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ पे मजबूत करना है, हरे परचम को यहाँ पे लहराना है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करना है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।